गगन जी नमस्कार। प्रणाम सर। जय हिंद। अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कह रहा होता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं आप? सर मुझे हर साल हर महीने के चार महीने के पीछे 2000 करके 3 बार मिला, कुल मिला के मुझे 6000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सकिया। और फिर किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो कुछ तो करना पड़ा होगा आपको। सर एफपीओ बनाया हमने, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के हमारा उसको और आगे बढ़ा रहा है अभी। अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का। आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं और ये सर, कैसे काम करता है? सर सुनाई दे रहा है गगन जी मेरी बात? सर कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ और किस प्रकार से काम करते हैं? 446। अच्छा, ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक अदरक, जिंजर। अच्छा, जिंजर। और हाँ, जिंजर उगाते हैं। और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के अंदर में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं जी? क्या जी वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर हाल ही में हमने प्रवर्तक फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका प्रोसेसिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका।